अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं, फिट हैं। एज यू कैन सी आई एम ऑल ड्रेस्ड अप। आज मैंने ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा ब्लू सूट पहना है, ये मुझे भेजा है हादिया। आई टैग द सॉरी गाइस, छटके दो। ये मुझे भेजा है दिस पेज कॉल हादिया, आई विल टैग देम, तो आप लोग देख लीजिएगा। इट्स गॉट अ लवली दुपट्टा विद इट। उसकी इस्त्री खराब हो जाएगी तो वो भी नीचे रखा हुआ है। आई गॉट लवली फ्लावर्स, सारा गॉट मी दीज फ्लावर्स। ये मैं अपनी पिक्चर्स में इस्तेमाल करूँगी आप लोगों के लिए, कुछ ईद इंस्पो रिकॉर्ड करने के लिए आज उठी हूँ। तो ये ब्लू है, इसके साथ मैंने ज़रा काजल वाली आँखें ज़रा बड़े बड़े झुमके वाली लुक किया, पुट ऑन पाजेब आफ्टर ईयर्स एंड ईयर्स एंड ईयर्स, थोड़ी सी इस तरह की लुक है। एंड देन देयर इज वन आउटफिट एट द बैक, वो मुझे भेजा है बनारसी ब्रदर्स ने, जिनकी आप लोगों को शायद याद हो मैंने एक कॉटन की साड़ी वाला लुक किया था। तो ये अब उनकी ईद कलेक्शन आई है। तो आसमान हमेशा की तरह, आई गॉट दैट कर्स कि जब भी मुझे तस्वीरें लेनी होती हैं आसमान ग्रे हो जाता है और बारिशें शुरू हो जाती हैं, तो अभी भी बहुत ग्रे हो रहा है। लेट्स सी तस्वीरें हो जाती हैं कि नहीं हो जाती। बट या आई ऑल्सो पुट ऑन दिस लिटल थिंग, ये मुझे आपा ने दिया था एट सम पॉइंट इन माई लाइफ, कोई लैपिस लाजुली का। आई नो कि सिल्वर और गोल्डन वो मिक्स हो गया, बट विल वर्क इट आउट। एंड देन आई फाइनली केव्ड गाइस, मैंने फाइनली आई गेव इन एंड आई बॉट द सेलिन ग्लासेस, देयर स्टिल इन देयर बॉक्स, इट्स अ ब्यूटिफुल बॉक्स। बट मैंने सोचा कि शायद आज वाले शूट में मैं इस्तेमाल कर लूँ। वैसे तो बहुत रस्टिक लुक है तो ये ग्लासेस शायद ना जाएँ, बट लेट्स सी, आई माइट यूज देम माइट नॉट, फिर आप लोगों को भी दिखाऊंगी। तो अभी बस जाते हैं सारा को पिक करते हैं, बिकॉज सारा इज माई डी ओ पी फ्रॉम नाउ ऑन। उसामा हैज बिन फायर्ड। उस दिन वो जो ब्लैक एंड व्हाइट वीडियो थी, जी वो जो ब्लैक एंड व्हाइट कपड़ों वाली वीडियो, नो जो कपड़ों ब्लैक एंड व्हाइट कपड़ों वाली वीडियो आपने इंस्टाग्राम पे देखी है ना, वो सारा ने रिकॉर्ड की थी और वो उस पर मुझे इतने अच्छे कॉमेंट्स आए। सो आइंदा के बाद से ओनली सारा विल बी रिकॉर्डिंग माई वीडियोज, थैंक यू वेरी मच। एंड सो अभी वो जून पे है, शी इज ऑलवेज एट जून, शी इज ऑलवेज वर्किंग, दिस गर्ल इज लिटरली सो हार्ड वर्किंग। तो वहाँ से उसको जून से उठाएंगे और फिर जाके अच्छी अच्छी तस्वीरें खींचेंगे, अच्छी सी आपके लिए कोई वीडियो बनाएंगे। और उससे पहले हम करेंगे पिट स्टॉप नहीं कर सकते बाबू, क्योंकि बारिश शुरू हो गई है। टू मिनट्स, ओनली टू मिनट्स। हमने क्या करना है? वेरी जरूरी पिट स्टॉप। क्या करना है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट, टू मिनट्स ओनली। ओके गाइस, लेट्स सी व्हाटएवर दिस पिट स्टॉप इज अबाउट। एंड देन बाबू बहुत आसमान ग्रे हो रहा है यार, दो मिनट लगेंगे भाई, दो मिनट के अंदर अंदर आपको हम फ्री कर लेंगे। कितना तेज आ रहा था भाई। ओके गाइस, वेल आई गेस वी आर डूइंग द पिट स्टॉप एंड देन, मतलब हम एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं और फिर हम जाएंगे सारा को पिक करने। यार ब्रेक के बाद ओके यू गाइस, मैंने आप लोगों को यहां फिट कर दिया बिकॉज़ अभी तक मेरा वो समर्स कमिंग विद सम फ्लावर्स, दे आर मोस्ट लाइकली नॉट फॉर मी बट आई विल प्रिटेंड लाइक देयर फॉर मी। बट किसके लिए और लेगा फूल, वैसे ये भी है। इज दिस सारास ऑर्डर और दिस फॉर मी? द सारास ऑर्डर। Oh sweet, they're from Hamna, they're not even from, guys they're not even from him, but they're beautiful. Ye arrange kisne, because we love you from Hamna, how sweet, look, so they're not from you. Okay, who else is there? You all fell down, sorry about that. Who else is there? Oh thanks Hamna, you're such a sweetheart. Hamna is my best friend. I'm so happy. I already had flowers, but now I'm happier because these are definitely prettier flowers. मैं कह रहा था छोड़ो, पर उनको नहीं लाने की जरूरत। नहीं, मैंने वो बड़ा अपने दिमाग में ब्लू के साथ येलो मैच किए थे, बड़ा पर्पल आ गया है, मेरा फेवरेट कलर सो। वेरी हैप्पी अबाउट इट। थैंक यू। बाय द वे गाइस, दीस आर माय सेलिन ग्लासेस। दे आर नॉट माय यूजुअल बहुत ही मुंह से बड़ी ग्लासेस, सो यू गाइस माइट फील लाइक व्हाट इज शी वेयरिंग, बट बहुत इन है अपेरेंटली ये। अभी तो बिल्कुल मैच नहीं हो रही क्योंकि सिल्वर झुमके ऊपर से गोल्डन, ये कोई कार्टून लग रही हूँ, बट बढ़िया। ओके यू गाइस, आई एम बैक टू माय बिग ग्लासेस, मुझे अपने ऊपर छोटी ऐनकें नहीं पसंद आ रही। आपा इज वेरी लकी बिकॉज आई माइट एंड अप गिफ्टिंग दीज टू हर। एंड अगले 10 साल तो ना दी तुमने, तो तुम कभी पहनोगे भी नहीं। अच्छा सेलिन ना पहनूं, लेकिन कुछ ना कुछ और तो पहनूं। हाँ तो कुछ ना कुछ तो 50 तुम्हें मैं तोहफे। बी क्वाइट ऑलवेज। ही वाज व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू गेव मी सनग्लासेस? प्लीज टेल मी। Not sunglasses, but I give you perfumes and stuff all the time. Other side. But anyway, I'm gonna gift those to Appa. So, अगले 10 साल तक Appa should not ask me for a present because these are very high value. But they come with this. It's like its own leather little case and stuff. But they're not my wife, so I'm not going to be wearing them. हम अपनी बड़ी अनक के साथ ही ठीक है. So goodbye to that. Put them back in the box and give them to Appa.
So this white dabba, Papa, you can have it. I'm not keeping it. Okay guys, this is outfit number 2. The Banarsi Brothers one. बहुत ही अच्छी इसकी ये चादर जो है ना, ये शॉल जो है, बहुत ही अच्छी है. I really like it. And the shirt, it's got a lot of nice detailing. पीछे शोर मचा हुआ है, आप लोगों को यहाँ रखती हूँ. I'm matching with June today. आज मैं इनके पास रुक गई हूँ. सामा लोग वापस चले गए हैं और मैं सारा गाजी के पास रुक गई हूँ कि वी विल गो टुगेदर. आई थिंक हमने कहीं से समोसे लेने इफ्तारी के लिए. गोंडा वैसे दिल जा रहा है खाने का या क्या? ओह, आज हमारे घर के सोफों का कपड़ा चेंज हो रहा है गाइस, सो उनके लिए समोसे लेते हुए जाना है. सो वी विल पिक अप द समोसाज ऑन द वे बैक. आई लुक वेरी ट्रेडिशनल, वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट आई यूजुअली डू, द मेकअप एंड द लोग कहते हैं झुमकास. मैंने कभी इतने बड़े झुमके नहीं पहने. बाय द वे आई एम प्रीटी श्योर कि वैसे वो नहीं देख रहे होंगे ये वीडियो, बट शायद भाई इफ यू कम अक्रॉस दिस वीडियो, थैंक यू फॉर द झुमकास. दिस कजन ब्रदर दैट आई हैव शायान भाई, ही बॉट मी दीज इयर्स अगो फ्रॉम खाडी आई बिलीव. एंड हम लोग सब गए हुए थे, उनकी वाइफ, मैं, उनकी बहन, हम आई थिंक हम ऑल ऑफ अस वर एट लाहौर में हम थे. वी वर हम लोग खाडी में कितनी किस चीज़ की शॉपिंग करे थे. And I saw these and I was like, oh wow, how big are these jhumkas? That's all I said. And then when we reached the cash counter, toh unhone ye liye hue the mere liye, and then he gave me these in the car. So thank you. Shout out Shan bhai to you and your lovely, lovely gesture. Ab dekhte hain kya hota hai. Okay guys, we're in a lot of chaos. These are the real Ramzan vibes. Full shor sharaba and chaos. Sara, look at those. That fried वो अब छुप गया. Sorry. Oh, ये चिकन चीज़ होगा. ये नहीं, ये देखें, overseas Pakistanis, this is for you. जलेबी, ये चिकन कचौरी, रोल, समोसे, and then there's ये क्या था, चिकन पाए. And then there's a whole दही बड़ा स्टेशन जहाँ पे आप कस्टमाइज्ड बनवा लें कि क्या ज़्यादा चीज़ चाहिए क्या कम. क्या सारा मेन्यू लिखा है ऊपर बस लिख दिया उस पे, बस लिख रहे हैं नंबर. हाँ, आगे 6 लिख रहे हैं. नाइस, दिस इज द डेजर्ट सेक्शन. ये देखो ओरियो, मुझे भी ये आएंगे जून पे, लेकिन थोड़ा फैंसी वर्जन में ये खाएं वैसे, लेकिन कुछ हो ही ना जाए. ये भी, इसमें भी क्रीम होती है, एक वो भी तो होता था, वो मैकरून बिस्किट, वो कहाँ है, वो जो कोकोनट फूल, ये You remember these macaroon, the other macaroons? ये वाले भी बनाने थे. What? Crazy? लें क्या कुछ? Confusement में. मैं ये लेना चाहती हूँ, वो क्रीम वाला. सारा उन्होंने मिनी केक भी बनाया है, स्मॉल भी है. आई वॉन्ट गेट दी, ये फ्रेश है, इन्होंने अभी बनाया है क्योंकि पेंट से आंखें जल रही भाई. I don't know why I'm enjoying these मिठाइयों की दुकानें so much. मैं इतने टाइम बाद आई और इतने मजे मजे की चीजें हैं. ये 200 का है, केजी का है. ये देखिए, ये क्या है? जेली मिठाई. जेली मिठाई, ये क्या चीज होती है भाई? ये हलवा है. हलवा, सम हलवा, आई डोंट नो. ओके गाइस, हमने क्रीम पफ, चिकन कचौरियाँ, पता नहीं क्या क्या कुछ किस शौक में खरीद लिया है, पर वी आर वेरी हैप्पी. इम्पल्सिव बाइंग, यस, मज़ा आएगा. हम पहली दफ़ा इफ्तारी की चीज़ें बाहर से खरीदी हैं पूरे रमज़ान में, वरना हमने कुछ समोसे पकौड़े सब घर पे. आज हम इस पे गुजरे तो हमने कहा चलो ले ही लेते हैं ये मज़े मज़े की चीज़ें. लाइटनिंग की आवाज़ आई, थंडर की. ओके गाइस, आई एम होम, चेंज फ्रॉम दैट बनारसी आउटफिट. मैंने कहा उस पर कोई निशान वगैरह ना लग जाए इफ्तारी बनाते वक्त. एंड नाउ आई एम इन दिस आउटफिट. आपको याद होगा ये अभी अभी कल मैं टेलर से सिल के आया, पर आपको ये फैब्रिक याद होगा. आई एम ट्राइंग टू रिमेंबर हु सेंट मी दिस. नासिर फैब्रिक्स सेंट मी दिस येलो ब्यूटिफुल चिकन का कुर्ता का कपड़ा. एंड कल मैंने ये मास्टर साहब से सिलवाया है. आपको शीशे में फुल लेंथ भी दिखाती हूँ इसकी. लुक बहुत क्यूट सिला है. ये अंदर की जो लाइनिंग है ये मैंने अलग से सिलवाई हुई है, मुझे साथ सिली हुई बहुत बल्की बल्की लगती है. सो दिस इज़ द कुर्ता. मैं अभी आपको फ्रंट भी दिखाती हूँ, बहुत ही अच्छा सिला है. दिस इज़ द कुर्ता गाइस, बहुत ही अंडे की जर्दी बनी हुई हूँ इस वक्त मैं. ये एक जैसे ये लंबी लाइन्स है ना, तो इसकी एक लाइन कटवा के मैंने इस तरह नीचे यूँ लगवा दी थी ताकि नीचे ये कटवर्क आ जाए. बाजुओं पर भी ऐसी किया है कि आपको बीच में जॉइंट नज़र आ रहा होगा. और बस वाइट पजामा साथ एंड खुद से. और आज मैंने पाजेब पहनी है आफ्टर सो लॉन्ग.
ये मेरी अम्मी की दादी की पाजेबें हैं जो मेरे पास हैं, तो ये मैंने पहनी है। चांदी की हैं तो काफ़ी भारी फील हो रही है, आदत नहीं है कैसे। ओ बाहर आपको तूफ़ान की आवाज़ आ रही है, ओ माय गॉड क्रेजी। चलें अब तैयार तो पैसे भी थी पर लाइक अब चेंज कर लिया, कैजुअल उसमें आ गए हैं। अब जाके इफ्तारी चेक करते हैं, काफ़ी कुछ तो हम ले आए हैं। यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ, माई बेस्टी हमना, शी हैड सेंट मी दीज ब्यूटिफुल फ्लावर्स। अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पे मेरी स्टोरियाँ पढ़ते रहते हैं तो आपको पता ही होगा कि उसने क्यों लिखा है वी लव यू फ्रॉम हमना। दीज आर दीज लवली फ्लावर्स एंड ये मुझे कल सारा ने ला के दिए थे। ये एक ब्रांड लॉन्च होने वाला है तो उन्होंने मुझे PR भेजा है, अभी लॉन्च नहीं हुआ तो अभी ये मैंने पहले टेस्ट करना है। मैंने उनको बताया था कि इवन इफ इट लॉन्चेस जब तक मैं टेस्टिंग नहीं करूँगी स्किन पे आई विल नॉट रिव्यू, तो ये अभी मैंने आज ही मिला है, अब ये मैं टेस्ट करके फिर रिव्यू करूँगी। एंड ये साथ मेरा एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्सल भी आ गया, दिस इज़ अ होल लॉट ऑफ हैंगर्स, क्योंकि हैंगरों के बगैर हम ये सारे कपड़े कहाँ लगाएंगे गाइस। सो ये सीन है। अच्छा ये दिस इज़ दैट बैंगल जो मैं आपको उस वक्त पहन के दिखा रही थी, ये मुझे आपा ने लेके दिया था ईयर्स एंड ईयर्स अगो, लाइक 15-16 years ago। इसमें ये रियल लैपिस लाजूली लगा हुआ, अभी भी ये मिलते हैं अफगानी स्टोर्स पे बट अब बहुत नकली से मिलते हैं, ये बहुत भारी है। और साथ ये मेरे खाड़ी के झुमके थे और ये थी मेरी शॉल, इसको मैंने रख दिया इधर तय करके, तो बस अभी यही है। उसके बाद आज यही पार्सल लाए, ये वाला डब्बा, ये फूल और ये हैंगर। अब जाते हैं इफ्तारी बनाते हैं। ये देखिए आज इफ्तार में बन गई है स्टर फ्राई ब्रोकली गार्लिक एंड सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर में। आई लव ब्रोकली, आई लव ऑल वेजिटेबल्स एंड आई लव ईटिंग क्रंची नाइस वेजिटेबल्स। तो ये गार्लिक में बन रही है और यहाँ हमारे बन रहे हैं आलू वाले पकौड़े, और तीसरी चीज़ जो बनेगी वो होंगे चिकन चीज़ रोल्स। ग्रेट लाइटिंग, अभी इतनी अच्छी लाइट आई थी सारी लाइट ही ख़राब कर दी। बाहर हो रही है गाइस तूफ़ानी सी बारिश, हमारा हॉटपॉट का मूड था और सब कैंसिल हो गया बिकॉज बारिश इज़ वेरी बैड। लाइट आ रही है जा रही है, मसले मसाइल बहुत चल रहे हैं, बट हम पी रहे हैं गर्म गर्म चाय। हमारे घर की नहीं, वैसे ओवरऑल मोहल्ले खुद ही आपने कहा है कि मैं नहीं इस बारिश में लेके जा सकता, तो फिर अब क्या करें। तो पूरा बैठ गए घर पे चुपचाप, अब हम क्या कर सकते हैं। इतना मैं तैयार, ओ लुक एट द लाइट गाइस, ये खत्म हो जाएगी गाइस, ये लोडिंग स्क्रीन आती है 2 मिनट के लिए। नहीं अच्छी थी, मैं चमक सी जाती हूँ फिर ये गंदी सी। पता नहीं सामा कुछ एक्सबॉक्स भी खेल रहा है, आई हैव एब्सोल्युटली नथिंग टू डू बिकॉज ऑफ हिम, बिकॉज आई टोल्ड हिम दैट वी शुड गो फॉर हॉट पॉट। गाजी डू यू गाइस वांट टू गो फॉर हॉट पॉट? That's so sad. Ghazi doesn't like hot pot. सारा ने तो जाना था, सारा से पूछो अगर सारा का वोट यस आ गया तो लेके जाओगे? Okay. इतना मरा okay. Please. ठीक है ले जाओ. Like actual. Okay. Ghazi सारा से पूछो अगर hot pot खाना। Okay you guys, so सारा की दोस्त जैनब भी घर आ गई थी and we decided कि वो us girls are gonna go have dumplings. अब उसामा के साथ जो hot pot वाला plan था वो अब we are gonna do that tomorrow hopefully. But अभी हम लड़कियाँ जा रही हैं for dumplings. यहाँ पे एक जगह है सुमीज dumplings, वहाँ पे बहुत ही मज़े के चटपटे से Korean glazed dumplings मिलते हैं which I am very excited for. वो ही hot pot type vibe भी होती है, so looking forward to that. So let's go. बाहर बहुत शदीद पहले ओले पड़े हैं फिर बारिश हुई है तो ठंड काफ़ी है. ढूंढ रही हूँ कोई आसपास शॉल नज़र आ जाए तो शॉल ले लूँ बिकॉज इस सुराखों वाली फैब्रिक में बहुत ठंड लगती है. But I've packed up all my winter clothes. तो अभी मैं देखती हूँ कुछ निकालती हूँ and then let's go have some dumplings. Okay guys, मैं Zainab और सारा आ गए हैं Sumi's dumplings. उसामा का मैंने स्वेटर पहन लिया क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं था. हाँ वैसे काफ़ी फैंसी हो गया, लास्ट टाइम हम आए थे ये इतना फैंसी नहीं था, ये काफ़ी बदल सा गया. वाओ रुके मैं आपको दिखाऊँ, ये देखें ये कितना फैंसी. वो पड़े हुए थे सोफे पहले सिर्फ और कुछ भी नहीं था, कितना फैंसी हो गया सब कुछ. वाओ बट गाइस देयर मेन्यू इज अमेज, it's a bit pricey but it's very good, very very good food. ye kada na koi yadu record blue type itne pade hue hain itne. okay you guys ab hum log aa gaye hain churiyan lene. color kaun sa? ha look how pretty all of them are. ye steel hai, ye dekho. ha ye metal hai, wo jo silver hoti hai simple wali, simple color ki. acha ye steel mein itne color bhi aana shuru ho gaye hain. wow ye bhi steel hai. Look guys, how nice. पहले अपनी तो देखो ना सिल्वर. कांच की चूड़ियां बनना बंद हो गई.
लेकिन इन पे तो वेलवेट चढ़ा हुआ है ना, वो जो प्रॉपर जो बिल्कुल कांच होता है। लास्ट टाइम मैंने गांव में सारी छोटी बच्चियों के लिए ये बेबीज वाली भी ली थी। कौन सी? ओ वैसे ये इतनी क्यूट है, ये सबके साथ चल जाती है ना। थोड़ी हाँ ट्विस्टी ट्विस्टी भी है, लेकिन आई थिंक प्लेन अच्छी लगेंगी, उसको बाद में भी काम आएंगी। थोड़ी पेंडू सी हो गई है। ओके नेवर माइंड, मुझे तो सबसे अच्छी ये लगी है वैसे। और इतनी ही पहनी हो, पूरी बाजू यूं भरी हो है ना, पूरी यूं ऊपर तक चूड़ियां भरी हो, ये कड़ों वाली मेहंदी मेहंदी पे ये। और तुम्हें भी कॉर्पोरेट ऑर्डर आ जाएगा, और फिर मैं अपनी जगह देना कोई बिठाऊंगी ये कॉर्पोरेट ऑर्डर आ जाएगा। अच्छा भाई इतनी रैंडम हरकतें कर रहे हैं हम, चूड़ियां लेके अब जून पहुंच गए आधी रात को, पता नहीं हम क्या कर रहे हैं गाइस, आई डोंट नो, बट बस यही कर रहे हैं। लेमन टार्ट बचा हुआ है, मेरी किस्मत का। बताओ जैनब क्या क्या ट्राई करना है? ये खा लोगी इतना ज्यादा? इतना कुछ जो ट्राई यार, वैसे ये भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, बट आई रियली वांट टू ट्राई दैट, बट दैट्स टू बिग, मे बी आई कैन शेयर इट विद असामा। हाँ जैनब जो खाना है वो बताओ। एवरीवन क्या हाल है आप सब लोगों का? उम्मीद है आप सबके रोज़े बहुत अच्छे जा रहे होंगे, अल्लाह का बड़ा एहसान है। इस दफ़ा तो रोज़े बहुत ही आसान लग रहे हैं, ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी है और ना ही बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सबके रोज़े अल्लाह ने बहुत आसान और अच्छे गुजारे। ये देखिए मैं आपको ये बॉक्स दिखा रही हूँ, ये मेरी बेटी ने मुझे इस्लामाबाद से भेजा है माहा ने, और लेट्स सी व्हाट्स इनसाइड द बॉक्स, बिकॉज उसको हर वक्त मेरी फ़िक्र लगी रहती है और मेरे लिए कोई ना कोई चीज़ बाय करती रहती है, तो अब मैं देखती हूँ कि इसने मेरे लिए क्या भिजवाया है। अच्छा जी, अब देखें बॉक्स को मैंने खोल लिया और अब मैं आपके साथ ही इसका फ्लैप उठाती हूँ एंड लेट्स सी व्हाट्स इनसाइड द बॉक्स। तो ओके सो ये तो उसने मुझे दिखाए थे, ये तो उसके बेडरूम के लिए हैं, जो कि उसके जो ये जो कुशन्स होते हैं उनके कवर्स हैं। तो ये तो हो गए मेरी बेटी का सामान। ओके सो दीज आर द शर्ट्स जो उसने मेरे लिए ईद भेजी है। और मज़े की बात ये है बेटा कि जब बेटियां बड़ी हो जाती हैं, अपने अपने घरों को चली जाती हैं, तो माओं के साथ उनकी दोस्ती हो जाती है, और जो चीज़ देखती है ना बस उनको मेरे लिए अच्छी लग जाती है। एक ज़माना था जब हर चीज़ मुझे उनके लिए अच्छी लगती थी और मैं कहती थी कि ये मेरी बेटी पर सजेगा और ये मेरी बेटी पर सजेगा, तो ये मैं ले लेती हूँ उनके लिए, एंड नाउ इट्स द रिवर्स, अब वो मेरे लिए चीज़ें ले लेके भेजती हैं, तो ये उन्होंने मेरे लिए ईद के सूट लेके भेजे हैं। अल्लाह मियाँ बहुत दे, अल्लाह मियाँ उनको बहुत खुशियाँ दिखाए, बहुत ज़्यादा दे, एंड दे आर एब्सोल्युटली ब्यूटिफुल, माशाल्लाह माशाल्लाह, दिस पिंक वन इज़ सो प्रिटी, और इसको जब मैं पहनूँगी तो पहन के मैं आपको इसकी पिक्चर भेजूँगी। दिस इज़ द शर्ट, ये शर्ट है बहुत ही प्रिटी खूबसूरत सी, कलर भी मेरा बहुत फेवरेट है। ये इसका ट्राउज़र है, अगेन अ ब्यूटीफुल ट्राउज़र, कितनी खूबसूरत डिटेलिंग है इसके पाइचों के ऊपर, ये तो मेरा एक कफ्तारी आ रही है तो मैं उस पर पहन के जाती हूँ, एंड द दुपट्टा इज़ ऑल्सो ब्यूटीफुल, माशाल्लाह माशाल्लाह, थैंक यू सो मच मेरा बच्चा, अल्लाह तुम्हें बहुत दे, अल्लाह तुम्हें इतना दे कि तुमसे संभाला ना जाए। एंड अगेन दिस इज़ अ ब्यूटीफुल शर्ट, और दिस इज़ अ शर्ट, और ये वाला पूरा सूट है, तो ये तो मैं फ़ौरन पहन लूँगी इंशाल्लाह, भी एक अफ्तारी आ रही है उसके ऊपर पहनूँगी, एंड दिस इज़ द शर्ट, इसके साथ भी मैं कुछ स्टाइलिंग करूँगी। और ये देखें जी, ये देखें मेरी बेटी ने मेरे लिए भी ये सॉल्ट एंड पेपर का इतना खूबसूरत सा भिजवाया है, एंड आई एम सो थैंकफुल एंड सो ग्रेटफुल कि अल्लाह मियाँ ने मुझे इतनी प्यारी और इतनी ख्याल करने वाली बेटियाँ दी हैं, और अल्लाह मियाँ उनके मियाँ को भी ज़िंदगियाँ दें कि वो अपनी बीवियों को कहते हैं कि आप अपनी माँ का ख्याल करें और उनका उनके लिए जो भी जो दिल चाहे वो ले लें। तो आई एम रियली ग्रेटफुल, अल्लाह ने मुझे बहुत 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 प्यारी बेटियाँ, दामाद और
सब कुछ बहुत प्यारा दिया जिसके लिए मैं अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सो बेसिकली हम तो ईद की भाई फुल फ्लेज तैयारियों में जो है ना वो हो चुके हैं, केक बन रहे हैं, मेहंदियाँ चूड़ियाँ आ रही हैं, जूते आ गए, पत्नी क्या क्या कुछ, वी आर वेरी एक्साइटेड। और होना भी चाहिए यार, साल में छोटी ईद का जो मज़ा है, बड़ी ईद का भी बहुत मज़ा होता है, लेकिन जो छोटी ईद की एक फेस्टिविटी होती है ना, बिकॉज आपने रोज़े रख के वो अर्न की होती है ईद ऑनेस्टली। सो या एनीवे गाइस, लुक एट माय फ्लावर्स, ब्यूटीफुल फ्लावर्स, आई लव फ्रेश फ्लावर्स, घर में एक इतनी पॉजिटिव एनर्जी होती है। एनीवे अब मैं जल्दी से ज़रा आप लोगों के लिए क्विकली एक व्लॉग एडिट कर लूँ और उसके बाद मैं दोबारा आपसे मुलाकात करती हूँ।